और कसाई से भी मेरी गुजारिश है कि फटाफट जिबा करना है, अगले घर भी जाना है। जानवर में अभी जान होती है तो खलड़ी उतारनी शुरू कर देते, जुल्म है। जिस महबूब ने फरमाया कि जानवर के सामने जानवर जिबा ना करो, जिन्होंने कहा कि जानवर के सामने छुरी तेज ना करो, उन्होंने तुम्हें कैसे इजाजत मिल गई हो? भाई कुछ नहीं होता, अल्लाह खैर करेगा। और आप भी कसाई की मिन्नत करें, लड़ाई नहीं करें, गुजारिश करें, कहीं जरा ठहर जा यार, दो मिनट ठहर, ठंडा होने दे इसे, ठंडा होने दे। जिंदा आदमी की खाल उतारें तो कितनी तकलीफ होती है, इतना जुल्म। मैंने देखा उसी वक्त उसने लटका दिया, पैर काटने लग गया फटाफट, ना ठंडा होने दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जानवर ठंडा हो का गोश्त बनाए अच्छे तरीके से, कुछ नहीं होने लगा, कोई मसला नहीं ऐसा। वो जो हमारे यहाँ मशहूर है ना, ईद वाले दिन रोजा होता है तो कुर्बानी के गोश्त से खोलना है, रोजा रोजा कोई नहीं होता। बस इतनी बात है कि अच्छी बात है, मुस्तहब है, अच्छा फेल है कि आप सबसे पहला खाना कुर्बानी का गोश्त ही खाएं। तो शुगर वाले बेचारे की शुगर लो ही है, गोश्त मिलेगा 5 बजे वो तो मर जाएगा।